हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम एग्जाम शक्ति। आज हम लोग अपनी हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा पार्ट 4 है। अगर जिन्होंने पार्ट 3 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दिया है तीनों पार्ट, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो कि है 1857 की क्रांति में क्या क्या उतार चढ़ाव हुआ, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे सिर्फ एमसीक्यू के द्वारा। क्योंकि थ्योरी आप लोग को पता ही होगा, इतने चैनल बने हुए हैं, आप लोग वहाँ से सब चीज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू को आपको लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, 1857 की क्रांति की सारी क्वेश्चन जो जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं आज तक। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? बताना है आपको, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों चलने की वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये की गई थी दिसंबर 1856 में ये चालू किया गया था, और जनवरी 1857 में ये क्रांति स्टार्ट हो गई थी। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के लिए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? वो था सैनिक असंतोष, नहीं अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्योंकि अब चर्बी वाले कारतूस डाल रहे हैं तो हिंदू में तो गाय को मारना काटना ये सब पाप माना जाता है, तो जब आप उस तरीके से आप किसी धर्म का मजाक उड़ाएंगे तो क्रांति होना ही था। तो इसीलिए तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह हुआ था, इसी चक्कर में ये मुख्य तत्कालिक कारण था उस समय का। यहाँ पे आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी, कहाँ हुई थी मंगल पांडे की घटना? ये हुई थी बैरकपुर में। ये कहाँ पे है? यूपी में है, मेरठ के पास। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? अभी बताया मैंने, बैरकपुर से। मंगल पांडे सिपाही था, कौन से इन्फेंट्री का सिपाही था मंगल पांडे? ये ऑप्शन गलत दिया गया है, ये थे 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 26वीं कंपनी में से एक सैनिक सिपाही थे। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे, कौन से इन्फेंट्री के? ये 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस से साहेब ए आलम बहादुर का किताब दिया था? किसे साहेब ए आलम का किताब दिया था? तो वो थे बख्त खान। कौन? बख्त खान। ये देखिए पूरा डिटेल दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था प्रमुख कारण? प्रमुख कारण था सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से, जो मंगल पांडे बैरकपुर से वहाँ पर संग्राम चालू किए थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, पहली घटना क्या थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। तो वो था सैनिकों के दिल्ली का लाल किला में पहुंचना, ये सबसे पहला था। ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, क्या था स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक? कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों में किसे पुनः अधिकृत किया? किसे किया था? दिल्ली। ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मैं पढ़ के सुना दिया हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष का वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। कहाँ की जन्मस्थली है महारानी लक्ष्मीबाई? बनारस की, झांसी मत मार दीजिएगा। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता कौन था? वो थे खान बहादुर। बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर थे। मानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि झांसी
सब सोचेगा कि झांसी की रानी झांसी में पैदा हुई, नहीं, वो पैदा हुई है बनारस में, और उनका कब्र कहाँ पे है, वो है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, किससे सामना करना पड़ा था, हीरोज से उनका सामना हुआ था आखिरी बार। अठारह सौ 57 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, तो लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, वो थे बेगम ऑफ अवध, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, कौन थे, वो थी बेगम हजरत महल लखनऊ में, बेगम हजरत महल लखनऊ में 1857 संग्राम को नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, हजरत महल ने। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, तो इलाहाबाद में कौन था, वो थे मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या थी अवश्य, जो 1857 की जो विद्रोह हो रहा था, सबसे ज़्यादा सिपाही कौन से राज्य से थे, तो वो थे अवध राज्य से, सबसे ज़्यादा सिपाही अवध से थे। ये देखिए यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है, 1857 के संघर्ष के भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा होगा जैसा कोई सदस्य सेना में ना हो, केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे, किसके सलाहकार थे, नाना साहब के, अजीमुल्ला खान सलाहकार थे नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, वो थे तात्या टोपे। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो किसका रामचंद्र पांडुरंग था, तात्या टोपे का। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, वो निम्नलिखित में से किससे संबंध है, तो हमारे प्यारे बिहार से संबंध थे, कुंवर सिंह की धरती कहा जाता है बिहार को। ये देखिए इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप यहाँ से पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए, तो किस जगह शामिल हुए थे, हुए थे आरा में। कहाँ, आरा, बिहार के तो थे लेकिन सबसे पहले उन्होंने किस जगह अंग्रेजों के खिलाफ, कौन से शहर में आए थे, तो वो था आरा। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था, तो कौन थे, बाबा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसके, किस प्रांत से किया, तो बिहार से। 1857 के विद्रोह में का नेतृत्व बिहार में किसने किया, देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है घुमा फिरा कर, या देखिए दो बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, और ऊपर आप देख ही सकते हैं कितनी बार पूछा है, तो वो कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विपल में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो जगदीशपुर में कौन थे नेता, ये भी कुंवर ही सिंह थे। जगदीशपुर के राजा थे कौन थे, कुंवर सिंह। पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे कौन थे पटना में, ये थे राजपूत कुंवर सिंह, क्योंकि बिहार का नाम आ रहा है तो कुंवर सिंह का नाम आना ही आना है उस समय के 1857 के विद्रोह में, क्योंकि एक बहुत ही काबिल, बहुत ही अच्छे योद्धा थे। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 क्रांति का नेता था, अब देखिए बिहार का बात हो गया, कानपुर का बात हो गया, लखनऊ का बात हो गया, अब यहाँ पर आया असम में कौन था, तो असम में कौन था, असम में थे दीवान मानीराम दत्त। कौन था, दीवान मानीराम दत्त, कौन था, दीवान मानीराम दत्त, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा दिमाग में। 1857 का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र था, तो केंद्र क्या था, जगदीशपुर केंद्र था। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, कौन था वो थे औवा के ठाकुर कुशल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो कौन सी केंद्र नहीं था,
तो वो था जयपुर। जयपुर जो था केंद्र नहीं था 1857 में राजस्थान में, और ये तीनों थे अजमेर नीमच आउबा, ये सब थे। आउबा के राजा ही थे जो हराए थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो चंद्रशेखर आज़ाद तो नहीं थे उस टाइम, ये भी बिस्मिल भी नहीं थे, तो ये दोनों में से कौन हो सकता है? शहादत खान। शहादत खान जो थे, ये सब नाम बस आपको ध्यान में रखना है कि कौन किस टाइम था, उतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको नाम पता रहना चाहिए कि एक कहानी की तरह आपको समझना चाहिए। आपने अगर लूसेंट पढ़ा होगा तो उसमें आपने कहानी की तरह सब चीज़ देखा होगा, और इसमें भी पूरा दिया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद है MCQ को सॉल्व करना, ठीक है? MCQ को किस तरीके से अपने ध्यान में रखें। तो आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऐसे तो बहुत कोई थे, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे चार नाम दिया हुआ है, तो इसमें से बताना है कि सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। तो वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह का को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। स्वप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, उनका मूल निवास कहाँ था? उनका मूल निवास था आगरा। उनका मूल निवास आगरा था मिर्जा गालिब का। ये देखिए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 17 दिसंबर 1796 को आगरा में और मृत्यु 15 दिल्ली में हुई थी, ठीक है? आगरा में जन्मे थे और दिल्ली में मर गए थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो कौन थे भाग नहीं लेने वाले? तो भगत सिंह तो उस टाइम तो आ ही नहीं सकता, तो सीधा आंसर भगत सिंह हो जाएगा। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबंध नहीं था? तो उद्धम सिंह संबंध नहीं थे, मौलवी अहमदुल्ला साहब तो बहुत कट्टर थे, कुंवर सिंह बिहार से थे, ये लखनऊ से थे, उद्धम सिंह ये जब जलियांवाला बाग हुआ था तो उस टाइम के ये बात है, वो आगे हम आने वाली वीडियो में इनके बारे में जानेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? अब देखिए, भारत में बहुत गुटबाजी होता था उस टाइम, तो बहुत कोई ऐसे भी थे जो अंग्रेजों में जाके मिल के हम लोग के खिलाफ लड़े थे, तो वो कौन थे? वो थे ग्वालियर के सिंधिया। ये जाके अंग्रेजों में मिल चुके थे और भारत में ही हटा रहे थे। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्था बनाए रखी थी, देसी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो क्या किया था? शिक्षित जो मध्य वर्ग के लोग थे, मिडिल क्लास, वो 1857 के विद्रोह से तटस्था बनाए रखी थी, मतलब दूरी बनाए रखी थी कि नहीं भाई, हमको ये सब में नहीं पढ़ना है। ये देखिए, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 का विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो कौन नहीं लिया? वो थे साहूकार और जमींदार। साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिए। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन सा एक क्षेत्र नहीं था? तो झांसी था, जगदीशपुर था, लखनऊ था, तो चित्तौड़ जो था यह प्रभावित नहीं था। ऑप्शन को आप काट भी सकते हैं, मतलब जो आपको लग रहा है, जो आपको बारे में पता है, तो उसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो कौन सा भाग था जो अप्रभावित रहा था? वो थे केवल मुंगेर। सिर्फ मुंगेर में ही ये इसका विद्रोह देखने को नहीं मिला था, बाकी दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, ये चारों जगह विद्रोह चालू था। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको मिलान करना है नाना साहेब। नाना साहेब कहाँ से लड़ रहे थे? ये लड़ रहे थे कानपुर से, ठीक है? कुंवर सिंह कहाँ से लड़ रहे थे? ये लड़ रहे थे आरा से। तो डी का 2, सी का 3, तो डी का 2, सी का 3, सी ऑप्शन में है।
तो हमारा सी हो जाएगा। बख्त खान कहाँ? दिल्ली से। और मौलवी जी? मौलवी अहमदुल्ला अवध से। देखिए बख्त खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा और नाना साहब कानपुर से। झांसी, झांसी में कौन लड़ रहा था, कौन थी नेतृत्व करने वाले? लक्ष्मी बाई। लखनऊ में बेगम हजरत महल। कानपुर में? अब यहाँ से मिलान कर लीजिए। देखिए दो ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन में आपको कानपुर में तो नाना साहब थे, लेकिन नाना साहब इसमें ऑप्शन नहीं दिया, तो इसमें कोई और नाम होगा, तो ऑप्शन से हम लोगों को दो चीज़ पता है, तो हम लोग उस तरीके से लगा सकते हैं। कानपुर से कौन थे? अजीमुल्ला खान। और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। नाना साहेब, ये देखिए यहाँ पे नाना साहेब कानपुर से, मौलवी अहमदुल्ला दिल्ली से, मनी राम दीवान असम से। देखिए असम में पढ़े थे ना ऊपर में, तो नाना साहेब कानपुर से थे। तो ए का टू, ए का टू किस में है? सी में भी है और डी में भी है। बी का वन और डी का फोर होगा, तो डी का फोर इसमें है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था उसमें? लॉर्ड कैनिंग था, जो कि पहला वायसराय भी था भारत का। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये कितना बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। सिपाही विद्रोह के समय, देखिए एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा फिरा कर पूछा गया है। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडेंट ऑफिसर था? तो कौन था? वो था हैरिस, हैरसे। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? वो था हैरसे। में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो वो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि उसी टाइम वही गवर्नर जनरल ही था। 1857 का जब भी बात करें किसी चीज़ में, तो लॉर्ड कैनिंग आपको ध्यान में रखना ही रखना है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जब पूछ रहा है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम? तो चर्चर एटली तो बाद में आए, ये दोनों में से हो सकता है, तो पामस्टन। पामस्टन, देखिए आप इस तरीके से भी आप नाम याद रहेगा तो आप ऑप्शन को आराम से छांट सकते हैं, जैसे चर्चिल, एटली, ये सब आए थे जब हमारा चर्चिल कब किस टाइम का था? जब वर्ल्ड वार सेकेंड हो रहा था, तो उस टाइम वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो किसका नाम नहीं जुड़ा है? ये किसी का नाम नहीं जुड़ा है। कर्नल सेंट लैंगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वेलेस, ये लोग में किसी का नाम नहीं जुड़ा है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ये किस कारण से असफल रहा? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, मतलब कोई योजना नहीं था। बैरकपुर से स्टार्ट हुआ, मंगल पांडे को फांसी चढ़ाया गया, उसके बाद से ये विद्रोह चालू हो गया था, लेकिन कोई योजना नहीं था, कुछ एक प्रॉपर तरीके से इसको स्टार्ट नहीं किया गया था, इसलिए ये असफल हो गया था। अठारह सौ सत्तावन का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाही में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। सही बात है, सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी सही है। अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सब 2008 में क्वेश्चन है, और आज के टाइम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं था। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? किसने कहा यह एक षड्यंत्र था? वो कहा है सर जेम्स आउट्रम एवं डब्लू टेलर ने। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्लू टेलर ने इसे षड्यंत्र की संज्ञा दी है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन थे वो? वो थे सावरकर जी। सावरकर जी ने कहा था कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था।
1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को नाम किसने दिया था? किसने दिया था? वीडी सावरकर ने, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की सरकारी इतिहासकार था एस एन सेन जी थे। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो थे सैयद अहमद खान। देखिए, वी डी सावरकर ने इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम तो कहा है, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं था, लेकिन लिखने वाला कौन था? वो थे सैयद अहमद खान। तत्कालिक प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है आरसी मजुमदार से। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है आरसी मजुमदार से। किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता था। तो कौन कहा था? यह कहा था आरसी मजुमदार ने। 1857 की क्रांति के बारे में लिखेंगे तो कौन एक अधारणा सही है? तो कौन एक सही है, देख लीजिए, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज का नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी, कब की थी? 1 नवंबर 1858 ईस्वी में, जब यह क्रांति हुआ। तो उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा हक छीन के डायरेक्ट जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी वह उन्होंने कार्यभार संभाल लिया था। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? कौन सा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। इन्होंने बस यही एक काम किया था, उनके कहने पर रियासतों की हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। महारानी विक्टोरिया का उद्घोषण 1857 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार पर प्रतिक्रिया करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार का नियम बनाए रखना। तो इसमें केवल 1 और 2। उद्घोषणा का उद्देश्य यही था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य मिलाने के किसी भी विचार का प्रत्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? कौन सा आयोग है? वह है पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में से चयन किया, किन प्रांतों से चयन किया था? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। यह देखिए, अब हमारा ये थी हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट 75 क्वेश्चन जो 1857 क्रांति से रिलेटेड था, यह आपको याद होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। आइए हम लोग कुछ और जन आंदोलन के बारे में बात करते हैं जो कि और भी लड़ा गया था। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे एमसीक्यू के साथ। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो ये आप थ्योरी पूरा पढ़ सकते हैं, ये देखिए ये पूरा थ्योरी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप थ्योरी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो कौन सा हुआ था? नील उपद्रव। 1857 के विद्रोह के जस्ट बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? वो नील उपद्रव हुआ था। नील उपद्रव कब हुआ था? 1859 से 60 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में। संताल विद्रोह 1825। देखिए सब डेट आपको बहुत याद करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ था, नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60 के बीच में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक चला था। संथाल विद्रोह, देखिए ये इम्पोर्टेंट बहुत है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह
1855 से 56 में, मतलब 1857 से पहले हुआ था संथाल, फिर पावना उपद्रव 1873-76 में। नील कृषिकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हैं नील दर्पण के लेखक। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो दीनबंधु मित्र। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, अपने बुक आनंद मठ में, जो कि 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत था वंदे मातरम, वो सबसे पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और जनगण मन कब गाया गया था? जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था वो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, किस पर आधारित है? ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो वो कौन सा है? वो सन्यासी विद्रोह को उन्होंने उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? सन्यासी विद्रोह कब से कब हुआ था? 1763 से लेकर 1800 तक। तो कौन थे वो? बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ में लिखा है इसके बारे में पूरा। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ, ये देखिए अच्छे से दिख नहीं रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो किसके लिए ये आधारित है? ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। अब देखिए निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमिलित नहीं है? देखिए इसका आंसर नहीं दिया, तो इसको आइए हम लोग इसको ये चारों को अच्छे से याद कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है ये सब। पावना विद्रोह कब हुआ? 1873 AD में। दक्कन किसान विद्रोह कब हुआ? 1875 ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में। और कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी में। पावना विद्रोह कब हुआ? 1873 ईस्वी में। पावना विद्रोह ठीक है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, उसी के देखिए सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस वाइज याद करते हैं। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह हुआ जो कि 1763 से लेकर 1800 के बीच में रहा। फिर हुआ कोल विद्रोह जो 1831 और 32 में हुआ। फिर हुआ पावना, फिर हुआ दक्कन। तो एस के पी डी सन्यासी विद्रोह, फिर के से कोल विद्रोह, फिर पी से पावना विद्रोह, फिर डी से दक्कन किसान विद्रोह। एस के पी डी। मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था बाकसत भूमि। मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था बाकसत भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। ये देखिए पूरा डिटेल दिया हुआ, आप इससे अच्छे से आप और भी देख सकते हैं। कुका आंदोलन किसने संगठित किया? तो वो किया था गुरु राम सिंह ने। किसने किया? गुरु राम सिंह ने। कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह किसका एक विद्रोह था? तो ये था गारो का। ये देखिए इसे डिटेल दिया हुआ है, आप कुछ पढ़ना है तो उसको पढ़ सकते हैं। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागलपंथ की स्थापना की थी करम शाह ने। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियां। फराजी कौन था? दादू के अनुयायी थे, नहीं हाजी हर्ज़ सरयुतुल्लाह के अनुयायी थे ये। फराजी कौन था? फराजी हाजी सरयुतुल्लाह के अनुयायी थे। वेलु थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ? केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वो किए थे वासुदेव बलवंत फरके ने।
रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भूगोलिक इलाके में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? यह पश्चिमी भारत में नहीं, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या नाम था? खोंद। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया? SKPD, संथाल, कोल, पामना और डी से क्या था, एक बार देख लेते हैं। दक्कन किसान विद्रोह, ठीक है। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? यह हुआ बड़ोदरा में। बघेरा से देखिए बड़ोदरा दिख समझ में आ रहा होगा, बघेरा बड़ोदरा। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। तो आइए इसका घटना एक बार देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले हुआ बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में, जिसमें हेक्टर मुंडो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। वल्लोर का सिपाही विद्रोह फिर हुआ, फिर कच्छ का विद्रोह, फिर कोल विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में। कच्छ का विद्रोह 1819-31 के बीच में चला था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। वल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो उसमें गवर्नर जनरल थे सर जॉर्ज बार्लो। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था ये हुआ था 1820 में। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? वो स्थान था बिहार, क्योंकि बिहार झारखंड में ज़्यादातर आदिवासी पाए जाते थे उस टाइम, मुंडा प्रजाति के जो रहते थे। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? सिद्धू कानू ने, भैरव चंद ने, जो कि 1855-56 में लड़ा गया था। निम्न में से संताल विद्रोह कब हुआ? तो 1855-56 में हुआ था। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? सिद्धू एवं कानू ने। 1855 में संथाल ने किसे अंग्रेज कमांडर को हराया? तो कौन सा अंग्रेज कमांडर जिसे हराया था? वो था मेजर बारो। यहाँ पर अच्छे सबको दिख नहीं रहा होगा तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। देखिए वो टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन टॉपिक था 1857 की क्रांति, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक थी। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो आप यहाँ से पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से थ्योरी पूरा दिया हुआ है डिटेल में, आप यहाँ से चाहें तो पूरा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन MCQ के वाइज। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? वो किया था कलकत्ता में, जो क्वीन हेस्टिंग के टाइम था। एसेसिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे कौन? थे एसेसिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक वो थे सर विलियम जॉन्स। यदि कितनी बार पूछा गया यह क्वेश्चन, सर विलियम जॉन्स थे। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? संस्कृत के महाविद्यालय की स्थापना कितने की थी? ये की थी जोनाथन डंकन ने। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? किसे की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को। निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो कौन था? वो था चार्ल्स विल्किंस। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो थे सर विलियम जॉन्स। भगवद गीता का किया था सर चार्ल्स विल्किंस ने, लेकिन कालिदास की
प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार रिमेजर किया सर विलियम जॉन्स ने किया था। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये दिए थे? तो कौन सा अधिनियम है? चार्टर अधिनियम 1813 के टाइम शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये दिए गए थे। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था चार्ल्स वुड का आदेश पत्र? ये संबंधित था शिक्षा से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया प्राथमिक शिक्षा को। हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें जो सबसे विशेष जोर दिया गया था वो शिक्षा को दिया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 में। सेंडलर आयोग संबंधित था? सेडलर आयोग से संबंधित था, शिक्षा से ही संबंधित था। ये सब देख कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। शिक्षाओं में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो नियुक्त किया था 1917 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? अंग्रेजी शिक्षक से। हमारी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले लॉर्ड मैकाले ही थे। भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी नेसेंडियन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। भारत की शैक्षणिक नीति फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे, कौन थे? मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो पड़ी थी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। निम्नलिखित में किसने भारत में अंग्रेजों शिक्षा की नींव पड़ी किससे? तो वो पड़ी थी 1813 के चार्टर एक्ट में ही 1,00,000 रुपये दिया गया था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक कमीशन से प्राचौधरी एवं अंग्लविधि विवाद से। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? तो किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के शासनकाल में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता मद्रास बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1857 में। किसके स्तः प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो कौन थे वो? डी की कर्वे के वजह से, जो कि 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? वो थे बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? किसकी हुई थी? हिंदू कॉलेज कोलकाता में। मतलब ये चारों में सबसे पहले कौन हुआ था? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ईश्वरचंद विद्याधर ने नहीं, राजा राम मोहन राय। देखिए ये कुछ चीजें हैं जो देख लेते हैं अच्छे से। बनारस का संस्कृत कॉलेज कब खुला था? 1791 में जोनाथन डंकन ने खोला था। कलकत्ता मदरसा किसके टाइम खुला था? वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम। और फोर्ट विलियम कॉलेज किसके टाइम खुला था? लॉर्ड रिचर्ड वेलेसली के टाइम। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो कौन थे वो? वो थे मदन मोहन मालवीय जी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न से किसने किया था? तो वो मदन मोहन मालवीय जी नहीं किया था, नहीं, लॉर्ड हार्डिंग ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न से किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो किसे किया गया था सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित? BHU जो बनारस में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1916 में महामाना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। तो आइए हम लोग आज के सेशन यहीं तक रहने देते हैं। कल के आने वाले पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके सारे क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।